हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी ऑफ इमिजराइजिंग ग्रोथ को कवर करेंगे जिसे जगदीश भगवती ने दिया था थ्योरी ऑफ इमिजराइजिंग ग्रोथ उस कंट्री के टर्म्स ऑफ ट्रेड में गिरावट से संबंधित है जो विकास का अनुभव कर रही है इस कंसेप्ट को सबसे पहले एजवर्थ ने दिया था तथा जगदीश भगवती ने इसे इमिजराइजिंग ग्रोथ का नाम दिया एजवर्थ के अकॉर्डिंग जब किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो हो सकता है कि उस कंट्री का टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्लाइन हो जाए और इतना अधिक डिक्लाइन हो जाए कि उत्पादन से जो गेन या लाभ मिल रहा है वह बिगड़े हुए टर्म्स ऑफ ट्रेड से समाप्त हो जाए इसे जगदीश भगवती ने पहली बार 1958 में इमिजराइजिंग ग्रोथ ज्योमेट्रिकल नोट में प्रस्तुत किया जहां आर्थिक विकास के स्वरूप देश में विकास से पहले की तुलना में और भी खराब स्थिति हो सकती है यदि ग्रोथ हैविली एक्सपोर्ट पर आधारित है तो इससे जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड में गिरावट आ सकती है दुर्लभ परिस्थितियों में व्यापार के मामले में यह गिरावट इतनी बड़ी हो सकती है कि ग्रोथ से होने वाले बेनिफिट या लाभ से अधिक हो और यदि ऐसा हुआ तो यह सिचुएशन किसी कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद पहले से भी बुरी स्थिति में ला खड़ा करेगी और ये रिजल्ट तभी वैलिड होगा या तभी हो सकता है जब ग्रोइंग कंट्री विश्व की कीमतों को प्रभावित करने में सक्षम हो जब किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो दो इफेक्ट होते हैं वेल्थ इफेक्ट एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट वेल्थ इफेक्ट यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का यह प्रोसेस ग्रोइंग कंट्री में लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ा देता है जिससे वेल्थ इफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है बट टर्म्स ऑफ ट्रेड में जो डेट्रियोरेशन होता है वह पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट से भी अधिक होता है इस कंडीशन में कंट्री का नेट वेलफेयर डिक्लाइन हो जाता है यानी उस देश के लोगों का कंजम्पशन डिक्लाइन हो जाता है और वह कंट्री वेलफेयर के मामले में पुअर होती जाती है जिसे जगदीश भगवती ने इमिजराइजिंग ग्रोथ कहा है यानी नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट से अधिक है जिससे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की स्थिति देखने को मिलती है जिसे जगदीश भगवती ने इमिजराइजिंग ग्रोथ का नाम दिया है अब अगर इसकी एजम्पन्स की बात करें तो ओनली टू कंट्रीज हैं कंट्री ए एंड कंट्री बी कंट्री ए जो है वो डोमेस्टिक कंट्री है जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ओनली टू कमोडिटीज़ हैं एक्स एंड वाई कमोडिटी एक्स जो है वो एक्सपोर्टेबल है एंड कमोडिटी वाई जो है उसका इम्पोर्ट किया जाता है सभी रिसोर्स फुली एम्प्लॉयड हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच फैक्टर्स में परफेक्ट मोबिलिटी है टेक्निकल प्रोग्रेस न्यूट्रल है लेबर फैक्टर है उसमें ग्रोथ हो रही है इसे इस ग्राफ की मदद से समझा जा सकता है ग्राफ में ओ एक्स एक्सेस पर एक्स कमोडिटी ली गई है जिसका एक्सपोर्ट किया जाता है और ओ वाई एक्सेस पर इम्पोर्टेबल कमोडिटी वाई है कंट्री ए का जहां ग्रोथ हो रही है ए वन ग्रोथ से पहले का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है टी वन टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है जहां बी पॉइंट प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम को शो करता है टीवन लाइन कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व आई को C पॉइंट पर टेंजेंट करती है जो कंजम्पन इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है यहाँ कंट्री एक्स कमोडिटी की बी पी क्वान्टिटी को एक्सपोर्ट करती है तथा वाई कमोडिटी की सी पी क्वान्टिटी को इम्पोर्ट करती है अब जब कंट्री ए में ग्रोथ होती है तो कंट्री ए का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा और क्या हो जाएगा ए टू क्योंकि जब ग्रोथ होगी तो लेबर सप्लाई भी इंक्रीज होगी जिससे पी पी सी कर राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा ओके अब जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है एक्स उसका प्राइस वाई कमोडिटी के रिलेटिवली फॉल हो जाता है क्यों फॉल होगा क्योंकि एक्सपोर्टेबल कमोडिटी की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में इन इलास्टिक है यानी प्रोडक्शन तो बढ़ गया बट उसकी डिमांड नहीं बढ़ी जिसकी वजह से प्राइस फॉल हो जाएगा और कंट्री की जो इनकम है वो भी घट जाएगी जिसके कारण कंज़म्पशन लेवल भी डिक्लाइन हो जाएगा जिससे टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन टी टू का स्लोप डिक्रीज हो जाएगा अब जो नया प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम है वो वी बी वन पर तथा कंजम्शन इक्विलिब्रियम C1 पर होगा जहां T2 IC1 को टेंजेंट करेगी इस प्रकार ग्रोथ के पश्चात X कमोडिटी की B1 P1 क्वांटिटी को एक्सपोर्ट किया जाता है तथा Y कमोडिटी की C1 P1 क्वांटिटी को इंपोर्ट। इंपोर्टेबल कमोडिटी Y के प्राइस हाई होने के कारण जब ग्रोथ होती है तो Y कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है लेकिन क्योंकि इसके प्राइस रिलेटिवली हाई हैं इसलिए इसका कंजम्पशन डिक्रीज़ हो जाता है इसमें कोई शक नहीं कि ग्रोथ के कारण होम कंट्री का प्रोडक्शन तो इंक्रीज होता है बट टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन हो जाता है जिसके कारण कंजम्पशन पॉइंट हायर इंडिफ्रेंस कर्व आईसी से लोअर इंडिफ्रेंस कर्व आई वन पर शिफ्ट हो जाता है जो लो लेवल ऑफ वेलफेयर को शो करता है क्योंकि कंज़म्पशन में कमी आ गई इससे स्पष्ट है कि ग्रोथ के बाद होम कंट्री का लेवल ऑफ वेलफेयर घट जाता है इसे ही जगदीश भगवती ने इमिजराइजिंग इम ग्रोथ का नाम दिया है जगदीश भगवती ने इसके कुछ रीजन्स बताए हैं कुछ ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से मिजराइजिंग ग्रोथ होती है जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद एक्सपोर्टेबल कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाना एक्सपोर्टेबल कमोडिटी की इंटरनेशनल डिमांड वेरी लो या इनआलास्टिक होना कंट्री इतनी लार्ज हो कि इसके एक्सपोर्टेबल कमोडिटी की सप्लाई पूरे वर्ल्ड की मार्केट को कीमतों को तथा टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्रभावित करने की क्षमता रखे कंट्री का वेलफेयर या इकोनॉमिक ग्रोथ का एक्सपोर्टेबल कमोडिटी पर डिपेंड होना कंट्रीज़ द्वारा प्राइमरी कमोडिटी का प्रोडक्शन और उन्हें एक्सपोर्ट करना प्राइमरी कमोडिटीज़ जैसे क्रूड ऑयल कोल कॉपर कॉफ़ी बीन्स कॉटन एक्सेट्रा और जो कंट्रीज़ प्राइमरी कमोडिटी के एक्सपोर्ट पर हैविली डिपेंडेंट होती हैं उन्हें टर्म्स ऑफ ट्रेड के डेट्रेशन का सामना करना पड़ता है क्योंकि प्राइसेस में स्टेबिलिटी नहीं रहती अब जगदीश भगवती ने इसका सॉल्यूशन ये बताया है कि कंट्रीज़ को ग्रेटर इनकम इलास्टिसिटी वाली कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन और उनका एक्सपोर्ट करना चाहिए जिससे इस सिचुएशन से निकला जा सके सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लर्न इकोनॉमिक्स सो ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स इस बार काफ़ी लेट हो गया वीडियो बट आई प्रॉमिस आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिलते रहेंगे सो so, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है थैंक यू सो मच